सत श्री अकाल सारिआं नूं जी, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करन जा रहे हैं एक होर नवां व्लॉग। तो अज मैं तुहानूं इंट्रोड्यूस करना जा रहा अपने जुड़वा भरा ना, जिहड़ा कि हमेशा कैमरे के पिछे रहिंदा ते कदे भी बोलदा नहीं गा, सारी रिकॉर्डिंग्स यही करदा है, जो भी वीडियो शूट करदा है सैटअप यही करदा है। तो आओ तुहानूं मिलाउणा वा रंधावे नाल। रंधावे की हाल है? अज का व्लॉग दस की होने वाला, खास इस की सानू दिखाएगा नवा, क्योंकि ऐतकी तेरी मर्जी की वीडियो बन रही है ना, फिर बनाओ, फिर दसो नाले होस्ट करो, तुहानू भी पता लगे कैमरे के मूहरे आके किदां बोलीदा। अज का व्लॉग होने वाला जी बहुत ही ज़्यादा वधिया बजट सैगमेंट देते हैं, भी आप सस्ते तो सस्ते घट तो घट पैसे वधिया तो वधिया गड्डी किदां खरीद सकीए। ये मेरा परसनल एक्सपीरियंस है, जो मैं आपकी गड्डी खरीदी है ज लगभग 1.5 लाख रुपए के लग्जरी गड्डी खरीदी है, वो तो मैं साझी करूँगा कि तुम भी घट पैसों के लग्जरी गड्डी। शुरू करते हैं जी इंजन तो। होंडा सिटी मिलता सी जी 1.3 लीटर एल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता 78 हॉर्स पावर और 1318 cc का यह इंजन है। इस दे नाल ही होंडा जो है IBTEC इंजन की ऑप्शन दिंदा सी, जो कि 1.5 लीटर दे विच सीगा और 100 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते लगभग, और डीजल ऑप्शन उदो अवेलेबल नहीं सीगा। यह जो तुसी मॉडल देख रहे हो 2006 दे विच लॉन्च होया सी। हेडलाइन का डिज़ाइन बहुत ही डिफरेंट तो यूनीक है, तुसी देख ही सकते हो। नाल दे नाल फॉग लैम्पस जो ने भी यूनीक डिज़ाइन सेगा, और दोनों ही हैलोजन बल्बस यूज़ करती हैं। क्रोम ग्रिल जो कि गड्डी नूं बहुत ही एलीगेंट लुक दिंदी है। नाल दे नाल तुसी देख सकते हो पूरी फ्रंट प्रोफाइल। गड्डी मिलता है जी 1.7564 का टायर, तो नाल ही तुसी देख रहे हो जी इंडिकेटर पुल अप टाइप, या जिन्हों कह लिए फ्लैप टाइप आपां नूं मिलते हैं जी। ये डोर हैंडल नाल ही देख सकते हो, डोर पैड दे उत्ते दित्ता गया क्लॉथ फिनिश दिती गई है जी। तो नाल दे नाल तुसी कलर कंट्रास्ट देख सकते हो ग्रे एंड क्रीम का। इतने तुहानू मिल जाता जी 1 टच अप एंड डाउन पावर विंडो, बाकी जो 3 ने वो नॉर्मल ने। यह पावर विंडो का लॉक दा स्विच। आओ चलते हैं गड्डी के अंदर तो दिखाने अंदर के फीचर्स। डोर पैड्स ते सीट दा मटीरियल सेम ही है, जो कि बहुत ही लग्जरी लुक प्रोवाइड करता गड्डी नू। देख सकते हो नॉर्मली की कार दे नाल मिलदी सी, कोई फ्लिप की का ऑप्शन नहीं सीगा, तो ना ही कंपनी प्रोवाइड करती सी। कार दे नाल मिलदी सी 3 चाबियां। देख सकते हो ट्रिपल बैरल
स्पीडोमीटर कंसोल देखने से तो बहुत ही सोहना लगता, तो एक्चुअल फंक्शन भी वो बहुत अच्छे ने। नॉर्मल नॉन इल्यूमिनेटेड की होल, स्टेयरिंग व्हील तो कोई भी अपन स्विच नहीं मिलते कंट्रोल करने के लिए। पकड़न दे विच बहुत ही अच्छा है, थिक है। टॉप मॉडल दे विच लैदर स्टेयरिंग व्हील का ऑप्शन मिल जाता सी, जो कि इस दे विच नहीं है। तुसी देख सकते हो जी, विंडस्क्रीन बहुत ही दूर तक गई हुई है, इस दे कारण अपन अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस मिलती है। डैशबोर्ड भी बहुत वड्डा है। सेंटर एसी ग्रिल्स, 3000 इंडिकेटर का स्विच देख सकते हो। ये आफ्टर मार्केट स्क्रीन लगी है जी, उदों इहदे विच कुछ भी नहीं सी आंदा, ब्लैंक स्पेस दी जांदी सी। ऑल दो टॉप मॉडल च सीडी चेंजर मिलता सी। नीचे देख सकते हो मैनुअल एसी दे कंट्रोल, और देख सकते हो एसी ऑन द स्विच ते रियर डिफॉगर का स्विच। ये रियर डिफॉगर का स्विच है जी। ए जी मोड सिलेक्टर ते अपना बाकी एसी का कंट्रोल ऑन ऑफ करन दे लई। वॉट की पावर सप्लाई तो मिलती है, जो कि डबल हो जाता है सिगरेट लाइटर के नाल। ये स्टैंडर्ड सी कार च फिटिंग आती सी यदि आसी एस्ट्रे। सब तो वधिया दा फीचर मैं लगता है जी नीचे स्टोरेज स्पेस जो दिती हुई है, इन्हें तुसी आप दी यूजेज के मुताबिक इन्हें कप होल्डर च भी कन्वर्ट कर सकते हो एक क्लिक करके। गेयर शिफ्टर नॉब बहुत ही स्टाइलिश गोल्फ बॉल स्टाइल सी, उस टाइम च बहुत ही एडवांस लगती सी। ईवन सिविक और जैज़ दे विच भी यही मिलती सी। हैंड ब्रेक लीवर दे उत्ते क्रोम दी फिनिश दित्ती गई है, ते कप होल्डर्स ते स्टोरेज स्पेस तुसी देख सकते हो। किलोमीटर्स दी डिस्प्ले जिहड़ी है वो डिजिटली सी, ते इहदे विच मिलदे ने तुहानू दो ट्रिप मीटर ए ट्रिप मीटर बी। स्टेयरिंग दे राइट साइड दे उत्ते तुहानू मिलदा है जी हैडलाइट दा स्विच, जो कि इंडिकेटर और हाई बीम लो बीम इंटीग्रेटेड है। और लैफ्ट साइड दे मिलदा है जी तुहानू, लैफ्ट साइड दे मिलदा है जी वाइपर कंट्रोल स्टॉक। उस तो अलावा राइट साइड दे अगर ड्राइवर दी नींद दे कोल जाइए तो फॉग लैम्प दे कंट्रोल मिलते हैं, तो इलैक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ आर पी एम्स दे कंट्रोल। बोनट ओपन लिवर, इस कार च एक बहुत ही खास फीचर सी जो हुण भी मैं तुहानू दिखा रहा वां, जो कि इस कार नू अल्ट्रा लग्जरी लुक प्रोवाइड करता है। इस मिलता है जी डूअल ग्लव बॉक्स, जिदे विच बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिलती है। अनफॉर्चुनेटली इन्हां विच कोई भी कूल्ड नहीं है, तो ना ही इहदा ऑप्शन मिलता सी किसी भी मॉडल दे विच। शोल्डर लाइन जो कि हेडलाइट तो लैके टेल लाइट तक एक्सटेंड होंदी है, तो बहुत ही क्लीन ते सोहनी लुक प्रोवाइड करदी गड्डी नूं।
रीयर टेल लाइट्स डबल बैरल दे विच आउंदियां ने, बहुत ही सोहनी लुक गड्डी नूं प्रोवाइड करदियां। ओवरऑल डिग्गी दे उत्ते जिहड़े ने लाइटां ओह सिर्फ रिवर्स लाइट्स दा काम करदियां ने, बाकी इंडिकेटर और ब्रेक लाइट लैफ्ट। पिछला लुक बहुत ही क्लीन है, तो कई बार इदा भी भुलेखा पै जाता भी जिदा स्पॉयलर लग्या हो। बहुत ही सिंपल तो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन गड्डी का। रूफ के उत्ते एंटीना दिता गया जी, कदे भी रेडियो रिसेप्शन दे विच कदे भी कोई प्रॉब्लम नहीं सानू महसूस हुई। ये जो गड्डी है असी 2006 विच परचेज की सी, उदो मेरे ख्याल 7.5 लाख की गड्डी आई सी, ते उदो तो लैके अज तक असी गड्डी ऑलमोस्ट 2.5 लाख किलोमीटर चला चुके हैं। गड्डी दे विच सानू कदे भी कोई भी दिक्कत नहीं आई, नॉर्मल रूटीन सर्विस तो अलावा कोई 1 रुपये का भी खर्चा है नहीं है। उदां दी ही गड्डी चलती है जिदा दी असी पहले दिन शोरूम चो कढ़ा के लिया सी। होंडा दी यह गड्डी होंडा दी रिलायबिलिटी नूं दर्शाउंदी है कि किन्नी रिलायबल होंडा एक्चुअल दे विच हुंदी है। चलाउण दे विच बहुत स्मूथ आ, लोंग ड्राइव असी करदे रहिंदे आ अक्सर, 500 किलोमीटर एक साइड का साडा चक्कर लगता ही लगता, यूपी राजस्थान हिमाचल करनाटका तक असी गड्डी नूं लैके गए हाँ। बिल्कुल भी थकावट नहीं होंदी गड्डी दे विच, और ये उस जमाने की गड्डी है जिस जमाने विच मारुति राज करदे सी और लोग कहंदे सी होंडा क्यों लई मारुति लैनी चाहिए, और अज दी होंडा डेफिनेटली ये तो भी वधिया है। अगर गल करिए बिल्ड क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी गड्डी की रॉक सॉलिड, 160 की स्पीड से भी गड्डी बिल्कुल भी कंबदी नहीं, जमीन नाल बिल्कुल लग के चलती है। इस तो वध के होर तुहानू की चाहिए 7.5 लाख दे विच। अज दी डेट च अगर तुसी ये गड्डी लैन जाओ तुहानू ये ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आस पास मिल जाएगी। अगर अच्छी कंडीशन च IVTEC मिल जाए तुहानू वो शायद 2 दे आस पास मिले। हाँ जी मित्रों, किवें लग्या तुहानू अज दा व्लॉग, नीचे कमेंट करके जरूर दस्यो, और इदां दीआं होर वीडियोज़ लई साडा चैनल सबसक्राइब करना ना भुल्यो। नीचे रैड कलर का बटन दबा के चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ, ते बैल आइकन ना दबाना भुल्यो। तो इस तरह दीआं वीडियोज़ असी अक्सर ही पाउंदे हां, डिमांड सीगी कि वीडियोज़ होर पाओ, होर कंटेंट पाओ, ते तुहाडे लोकां दी डिमांड दे उत्ते असी हुण हर एक वीक दे विच 2 वीडियोज़ पावांगे। तो इदां ही प्यार बणाउंदे रहो, प्यार दिंदे रहो वीडियोज़ नूं, ते तुसी प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ते किद्दां दीआं वीडियोज़ तुहानू चाहिए जरूर मैनू इंस्टाग्राम दे उत्ते आके DM करो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिता गया है, ते नाल दी नाल फेसबुक ते आके भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक का भी लिंक नीचे दिता गया है। तो धन्यवाद जी, सत श्री अकाल।